वेलकम बैक टू माई चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो आज लेके आई हूँ ना आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक शॉल का डिज़ाइन, पूरा फूलों वाला शॉल है, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है, आई होप आपको पसंद आएगा। हाँ, बट इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें ऊन काफ़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि पूरा पफ स्टिच से बना हुआ है ये शॉल। और ट्रायंगल शॉल का डिज़ाइन पूरा मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इसमें 3 और 4 प्लाई की ऊन है, देखिएगा हल्का सा एक बहुत ही खूबसूरत सा थ्रेड है इसमें, थोड़ा सा शाइनिंग वाला, और 3.5 mm यानी 8 नंबर की क्रोशिया हुक से मैं इसे बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर पूरी डिज़ाइन को बताती हूँ कैसे बनेगी। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, तो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। ठीक है, और भी इसके अलावा भी आप और शॉल्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैंने बहुत सारी डिज़ाइन शॉल्स के अपलोड भी की हैं ट्रायंगल शॉल में, तो आप उस वीडियोस को भी देख के शॉल बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 5 चेन ली है और 5 चेन बना के जो फर्स्ट नंबर वाली चेन है इसमें क्रोशिया हुक को डालना है और स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 तीन चेन बनाएंगे, ये जो होल बन के रेडी हुआ है 5 चेन का इसमें ही डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 चेन सेम इसी प्लेस से डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, एक चेन बनाएंगे बीच में, अगेन सेम इसी प्लेस से डालेंगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन सेम इसी प्लेस से डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे, 1 और 2, 1 2 3 4 5 पांच चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और ये जो 2 चेन का स्पेस है इसी में डाल के फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया है ये आपका बॉर्डर होगा दोनों साइड का ट्रायंगल शॉल में। ट्रायंगल शॉल बनाना बहुत इजी होता है, बहुत जल्दी बनके भी रेडी होती है क्योंकि कम से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ज़्यादा होता है तो उसमें बनाने में टाइम कम लगता है। बीच में 3 चेन, 1 2 और 3 यहाँ पे बटरफ्लाई बना ली, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया की, बीच में 3 चेन बनाई है, अगेन जो 2 चेन का स्पेस इधर बना हुआ है इसमें बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, बीच में जो 1 चेन का स्पेस बना था उसमें आपको कोई वर्क नहीं करना है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 5 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। तो इस तरह का 5 चेन का लूप बन के रेडी होगा जिसमें आप झालर्स लगा सकते हैं, मीन्स जो शॉल में साइड में ऊन काट काट के लंबी लंबी लगाई जाती है झालर की जैसी, उसमें आप वैसा आप इसमें बना सकते हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। जैसा कि मैंने बताया बॉर्डर सेम ही रहेगा, बॉर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 तीन चेन बनाएंगे, ये जो 3 चेन का स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया से इस 3 चेन को ऐड करेंगे, फिर से 3 चेन, अगेन जो बॉर्डर है उसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर से 5 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, अगेन ये जो बटरफ्लाई है इस पे बटरफ्लाई ही बनेगी तो इसमें बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। ठीक है, अब यहां से आप फाइनल फ्लावर वाली डिज़ाइन स्टार्ट करनी है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 2
तीन चेन बनाएंगे, लूप लेंगे। यहाँ पे देखिएगा एक और दो, दो डबल क्रोशिया है, जो सेकंड नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और पफ बनाना स्टार्ट करेंगे। एक बार लूप लेंगे, सेम इसी प्लेस से डाला, दोबारा लूप लिया, सेम इसी प्लेस से डाला, तीसरा लूप लिया, तीन बार हो गया, फिर से डालेंगे और चौथा लूप लेंगे। ठीक है, चार लूप मैंने इसमें लिया है। अब ये सारे लूप क्रोशिया हुक में ही रहेंगे, फिर से क्रोशिया हुक में लूप लेंगे और यहाँ पे तीन चेन को आपने देखेगा इस जगह पे सिंगल क्रोशिया से ऐड किया है, इसमें डालेंगे और यहाँ से भी चार बार लूप लेंगे, एक दो तीन और चार। ठीक है, अगर आप पतला बनाना चाहते हैं तो तीन लूप ले सकते हैं और मोटा बनाना चाहते हैं तो पांच लूप भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी दो डबल क्रोशिया है तो सेकंड नंबर वाली मीन्स इधर से जो फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और चार लूप इसमें लेंगे, एक दो तीन चार। ठीक है, अब इन सारे लूप्स को हमें एक साथ ओवर कर देना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे बांध देंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक दो तीन, तीन पैटर्न बन के रेडी हुई। एक चेन बना के फिर से धागे को लंबा खींचेंगे, जो हमने सिंगल क्रोशिया से ऐड किया है अपने तीनों पेटल्स को उसी में डालना है और यहाँ पे एक दो तीन और चार, चार लूप यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, क्रोशिया हुक में जैसे लूप लेते हैं चार वैसे ही लेना है और अब इस लूप को सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे और इसे बांध देंगे। और अब इसे हमें सेम यहाँ पे जहाँ पे दो चेन यहाँ पे आपने बनाया ना सेकंड वाली डबल क्रोशिया में जहाँ पे आपने एक पेटल बनाया है इसी पेटल में आपको इसे भी सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है। तो ये देखिए अब यहाँ पे टोटल हमारे पास चार पेटल्स हो गई हैं, एक दो तीन चार। अगेन तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बना के जो दो चेन का स्पेस है इसमें बॉर्डर बनाएंगे जिसमें आपको बना लेनी है दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया, दो चेन सेम इसी प्लेस पे, दो डबल क्रोशिया, एक और दो, फिर से पांच चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। पांच चेन बना के वर्क को टर्न किया, अगेन बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर, दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे बना लेनी है हमें तीन चेन, एक दो और तीन, तीन चेन बना के ये वाला जो तीन चेन का स्पेस है देखिएगा जो हमने पहले बनाया था इस तीन चेन के स्पेस में अपने वर्क को सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। फिर से एक दो तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बना के अब यहाँ पे जहाँ से हमने पेटल्स बनाई है ये बीच वाला पार्ट जिसमें हमने ऐड किया था तीनों पेटल्स को इसमें डालेंगे और अगेन चार बार लूप लेंगे, एक दो तीन चार, सारे लूप्स को ओवर कर लेना है। एक दो तीन चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस से डालेंगे, फिर से लूप लेंगे, एक दो तीन चार। इट मीन्स यहाँ पे हमें पफ बनाना है, ये हो गया हमारा। फिर से एक पफ, तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बना के अगेन पफ बनाएंगे, एक दो तीन और चार, और इसे ओवर कर देंगे। यहाँ पे टोटल अब हमारे पास देखिएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात पेटल्स का पूरा फ्लावर बन के रेडी हुआ है। एक दो तीन, तीन चेन बना के अगेन इधर वाला जो तीन चेन का स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, फिर से बनाएंगे तीन चेन और तीन चेन बना के बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर जिसमें आपको बना लेनी है दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, पांच चेन बनाएंगे, दो तीन चार पांच और वर्क को टर्न करेंगे। तो अब ये हमारा पहला जो फ्लावर है वो बनके रेडी हो चुका है। ठीक है,
ये देखिए ये फर्स्ट फ्लावर बन के रेडी हो चुका है। ऐसे ही आपको आगे के भी फ्लावर्स बनाने हैं, पहले एक बनेगा, फिर दो बनेगा, फिर तीन बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। तभी मैंने आपसे पहले बता दिया था कि इसमें ऊन ज़्यादा लगती है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा पतला फ्लावर भी बना सकते हैं। पतला का मतलब है जहाँ मैंने चार लूप लिए हैं, आप इसमें तीन लूप ले कर भी बना सकते हैं। तो अब आगे क्या करना है इसमें, तो पाँच चेन बना के वर्क को टर्न किया, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना लिया। जैसे ही आपकी एक डिज़ाइन कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपको सिर्फ चेन से ऐड करना है। तो यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बना के जो फर्स्ट तीन चेन का स्पेस है इसमें ऐड करेंगे, फिर से तीन चेन बनाएंगे, सेकंड तीन चेन का स्पेस है इसमें ऐड करेंगे, फिर से तीन चेन बनाएंगे, यहाँ पे थर्ड तीन चेन का स्पेस है इस जगह पे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ऐड किया, अगेन तीन चेन फोर्थ वाले पे ऐड किया, फिर से तीन चेन फिफ्थ वन में ऐड करेंगे, अगेन तीन चेन ये जो सिक्स वाला है इसमें ऐड करेंगे, तीन चेन बनाएंगे, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर और पांच चेन बना के वर्क को फिर से टर्न करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात इस तरह के लूप्स बन के रेडी हुए हैं। ठीक है, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे, पांच चेन बना के वर्क को टर्न करें। तो इस तरह से पांच चेन बना के वर्क को टर्न किया, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना लिया, अगेन एक दो तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बना के जो ये सेकंड नंबर वाली डबल क्रोशिया है इससे फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला पफ इसमें बनाएंगे, एक दो तीन और चार, सेकेंड यहाँ पे सिंगल क्रोशिया है देखिएगा, तो इसमें एक पफ बनाएंगे, एक दो तीन और चार, और इसके बाद जो थर्ड नंबर वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें एक पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार। तो जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है उसी में पफ बनाना है आपको, तीन चेन के स्पेस में नहीं बनाना है। जब सारे पफ बन जाएंगे तो सबको एक साथ ओवर कर लेंगे और यहाँ पे इन्हें स्लिप स्टिच से बांध देंगे, अगेन एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे तीन पफ बन चुके हैं, चौथा बनाना है, धागे को लंबा खींचेंगे और सेम जहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐड किया है इसी जगह पे एक पफ बना लेंगे। ओवर करेंगे इसे, यहाँ पे बांध देना है और ये जो तीन चेन का स्पेस है इस तीन चेन के स्पेस पे इसे ऐड कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। ठीक है, बन गया चार पफ, एक दो तीन चेन बनाएंगे, नेक्स्ट तीन चेन के स्पेस पे एक सिंगल क्रोशिया। तो जस्ट सेंटर वाला जो आपका तीन चेन का स्पेस है ना उसमें आपको सिंगल क्रोशिया से ऐड करना है तीन चेन को, फिर से तीन चेन और सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, अब फिर से हमें पफ बनाना स्टार्ट करना है, तीन चेन एक दो और तीन, तीन चेन बनाएंगे और तीन चेन बना के ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है एक पफ इसमें बनाएंगे, एक दो तीन चार, सेकंड वाले जो सिंगल क्रोशिया है एक पफ इसमें बनाएंगे, एक दो तीन और चार, अगेन ये जो दो डबल क्रोशिया है इसमें जो फर्स्ट नंबर वाली इधर से है इसमें बनाएंगे एक पफ, एक दो तीन और चार, इस तरह से बना के रेडी करेंगे और यहाँ पे बना लेंगे एक, इन तीनों को एक साथ ओवर करेंगे, स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर देंगे, फिर से एक चेन बना के धागे को लंबा खींचेंगे, सेम इसी प्लेस पे एक पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार, ये हमारा फोर्थ नंबर वाला पफ है पेटल का, इसे बांध देंगे और जहाँ पे आपने ये थर्ड नंबर वाला पफ बनाया है सेकंड फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया पे इसी पे इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे और दो चेन के स्पेस पे दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया। तो ये देखिए
अगेन यहाँ भी चार चार पफ बन चुके हैं, चार इसमें बन चुका है और चार इसमें बन चुका है, ठीक है। इस तरह से बनाना है। और अब पांच चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाएं। पांच चेन बना के बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाया है और वर्क को टर्न कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा फ्लावर बना हुआ है उसे पूरा करना है, तो तीन चेन बनाएंगे। जो फर्स्ट तीन चेन का स्पेस है इसमें इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर लेंगे। अगेन तीन चेन बनाएंगे और तीन चेन बना के आधा फ्लावर बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे सिंगल क्रोशिया से फ्लावर को हमने ऐड किया था इसी स्पेस पे डालना है। और फिर से यहाँ पे बना लेंगे एक पफ, एक दो तीन चार पफ को पूरा और करेंगे, तीन चेन बनाएंगे, फिर से एक पफ बनाएंगे, अगेन इसे ओवर करेंगे, तीन चेन बनाएंगे और अब यहाँ पे सेवेंथ नंबर वाला पफ बनाएंगे। टोटल सात पफ का एक फ्लावर बन के रेडी होता है, टोटल सात पेटल्स हैं, तो ये हो गया हमारा सेवेंथ नंबर वाला पफ, ठीक है। अब इसे भी ओवर कर दिया, एक दो तीन, ये देखिए फ्लावर पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका है। तीन चेन बनाएंगे। अब ये वाला जो तीन चेन का फर्स्ट वाला स्पेस है ना, इसे स्किप करेंगे, सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर देंगे। तीन चेन बनाएंगे, ये वाला जो तीन चेन का स्पेस है इसमें ऐड करेंगे, फिर से तीन चेन बनाएंगे और अगेन ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी टोटल और तीन पफ बना के रेडी करेंगे, तीन तीन चेन का स्पेस देते हुए। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ नंबर पफ, तीन चेन बनाएंगे, ये हो गया सिक्स नंबर वाला पफ, फिर से तीन चेन बनाएंगे और ये हो गया हमारा सेवेंथ नंबर वाला पफ। ओके, फ्लावर कंप्लीट। तो ये देखिए इस तरह से पूरा पफ बना के रेडी कर लिया, तीन पफ बना लिए, एक दो तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बना के ये वाला जो तीन चेन का स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, फिर से तीन चेन बनाएंगे और बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना लेंगे। तो बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे, पांच चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। तो इस तरह से बना लिया और अब दो फ्लावर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस रो में जब एक फ्लावर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद चेन बना के हमें ऐड करना होता है। तो तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बना के जो फर्स्ट चेन स्पेस है यहाँ पे ऐड करेंगे, तीन चेन बनाएंगे, सेकंड चेन स्पेस में ऐड करेंगे, फिर से तीन चेन बनाएंगे, थर्ड चेन स्पेस में ऐड करेंगे। तो जितनी भी चेन स्पेस है सब में ऐड करते हुए लास्ट पे आएंगे। तो ये देखिए पूरे में चेन स्पेस बना लिया। अब टोटल यहाँ पे हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, बारह चेन स्पेस हैं। अब इन 12 चेन स्पेस के बाद अब नेक्स्ट राउंड में आपको तीन फ्लावर बना के रेडी करने हैं। तो एक फ्लावर हमारा यहाँ पे बनेगा, दूसरा बीच में बनेगा और तीसरा यहाँ पे बनेगा। तो बीच में यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा फ्लावर बना हुआ है ना, ये इसकी जो जस्ट सेंटर वाली पेटल है, जस्ट इसी पेटल के ऊपर यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया दिखेगी। ये देखिए ये जो पेटल है जस्ट इसके बाद ये वाली जो रो है इसमें इसके बीच में ही यहाँ पे सिंगल क्रोशिया है, तो ये हमारी सेंटर वाली सिंगल क्रोशिया होगी। मींस एक पफ इसमें, एक पफ इसमें और एक इसमें बनेगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से बनेगा। तो मैं बना के बताती हूँ आपको कैसे बनाना है, क्योंकि इसके बाद आगे भी आपको सेम ही प्रोसेस को करना है। एक दो तीन चेन बनाएंगे, पफ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो सेकंड वाली डबल क्रोशिया है पहला पफ इसमें बनाएंगे, ठीक है, दूसरा पफ सेकंड वाली सिंगल क्रोशिया में बनाएंगे और तीसरा पफ इसके बाद वाली सिंगल क्रोशिया में बनाएंगे। तीन पफ बन के कंप्लीट हो गए, तीनों को एक साथ हमें ओवर कर लेना है और बांध लेना है। एक चेन बना के धागे को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और सेम उसी स्पेस पे जहां पे आपने बांधा है वहाँ पे आपको चौथा नंबर पफ बनाना है, ठीक है। एक पफ इस रो में हमें चार चार पफ बनाने होते हैं, एक फूल के पफ बना के रेडी कर लेंगे। अब इस सिंगल क्रोशिया पे ऐड ना करके इसके बाद वाली जो चेन है इसमें हमें ऐड कर लेना है। एक दो
तीन तीन चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाली तीन चेन पे ऐड करेंगे, फिर से तीन चेन बनाएंगे, इसके बाद वाली तीन चेन में ऐड करेंगे। तो दो बार ऐड हो गया, एक और दो, और अब यहाँ पे मैं सेंटर पे आ गई हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सेंटर वाली सिंगल क्रोशिया जो होगी वो आपके बीच वाले पफ के लिए होगी। तो एक पहली ये होगी, दूसरी ये है और तीसरी ये है। जस्ट इन्हीं तीन सिंगल क्रोशिया में आपको पफ बनाना है। तो फिर से हमें तीन चेन बना लेनी है। ठीक है, तीन चेन बना के पफ लेंगे, लूप लेंगे, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार, सेकंड नंबर वाली सिंगल क्रोशिया जो बीच की है उसमें पफ बनाएंगे और चार, और थर्ड नंबर वाली सिंगल क्रोशिया में भी एक पफ बनाएंगे। अब इन तीनों पफ को हमें एक साथ ओवर कर लेना है और यहाँ पे इसे बांध लेना है। एक चेन बना के धागे को लंबा खींचेंगे और फिर से सेम इसी प्लेस पे एक पफ बना लेंगे। ये हो गया फोर्थ नंबर पफ, इसे भी बांध लेंगे और सिंगल क्रोशिया पे ऐड ना करके इसके बाद वाली जो चेन है इस पे ऐड करेंगे। ठीक है, फिर से तीन चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे, तीन चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे। अब थर्ड नंबर पफ आपको अगेन तीन में बनाना है। ये हो गई पहले सिंगल क्रोशिया, ये दूसरे सिंगल क्रोशिया और तीसरा पफ बनेगा आपका डबल क्रोशिया के ऊपर। तो पहले बना लेना है यहाँ पे तीन चेन, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया पे एक पफ बनाएंगे, तीन और चार, सेकंड सिंगल क्रोशिया पे एक पफ बनाएंगे, और जो डबल क्रोशिया है फर्स्ट नंबर वाली इसमें एक पफ बनाएंगे। ठीक है, सबको एक साथ हमें ओवर कर लेना है, यहाँ पे इसे बांध लेंगे, फिर से एक चेन बना के धागे को लंबा खींचेंगे और एक पफ, फिर से चौथा नंबर जो पफ है फोर्थ नंबर वाला उसे बनाएंगे, ओवर करेंगे और इसी डबल क्रोशिया में जिसमें बनाया है इसी में से सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे, पांच चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब हमारे पास तीन फ्लावर हो गए हैं, एक दो तीन। तो वर्क को टर्न करती हूँ फिर आगे बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे में बना लिया, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना लिया और अब एक दो तीन चेन बनाएंगे। जो तीन चेन का स्पेस है यहाँ पे अपने वर्क को सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, तीन चेन बनाएंगे और अब इसमें बाकी के जो पफ हैं उसे बनाना स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन चार। तीन चेन, एक दो तीन, तीन चेन बना के अगेन यहाँ पे बनाएंगे सिक्स नंबर वाला पफ, तीन चार, फिर से तीन चेन बनाएंगे और बना लेंगे सेवेंथ नंबर वाला पफ। ठीक है, टोटल सात पफ में आपका फ्लावर पूरा हो जाएगा। दो रो में आपका एक फ्लावर पूरा होता है। ठीक है, फिर से एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे और तीन चेन बना के अब यहाँ पे आपको चेन बनाना है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब आपका फ्लावर पूरा होगा तो फ्लावर पूरा होने के बाद जो फर्स्ट नंबर पहली आपकी तीन चेन की स्पेस है ना, इसे स्किप करना है। इसमें आपको वर्क को ऐड नहीं करना है, वर्क ऐड आपको करना है सेकंड नंबर वाली स्पेस में। ठीक है, फिर से एक दो तीन चेन और इसे ऐड कर देंगे, एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे, जो बीच वाला फ्लावर है इसमें बाकी के पेटल्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो टोटल इसमें भी हमें सात पेटल्स ही बनाने हैं। ये हो गई हमारी फिफ्थ नंबर की पेटल, तीन चेन बनाएंगे, ये हो गई हमारी सिक्स नंबर का पफ, फिर से तीन चेन बनाएंगे, ये हो गया हमारा सेवेंथ नंबर का पफ। ठीक है, टोटल सात पफ बन के रेडी हो गए। एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे, अगेन तीन चेन बना के ये वाला जो तीन चेन का स्पेस है इसे स्किप करेंगे
और सेकंड नंबर वाले स्पेस में अपने वर्क को ऐड करेंगे। फिर से तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन के स्पेस में वर्क को ऐड करेंगे, तीन चेन बनाएंगे। और अब ये जो थर्ड नंबर वाला हमारा फ्लावर है, इसमें पेटल्स को बना के कंप्लीट करेंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चेन, सेम स्पेस पे फिर से चार, बार लूप लेंगे, पफ बनाएंगे, फिर से तीन चेन बना लेंगे, तीन चेन बना के अगेन यहाँ पे तीन और चार, ओके, एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे। और अब यहाँ पे ये जो हमारा तीन चेन का स्पेस है, यहाँ पे अपने वर्क को ऐड करेंगे पहले, और फिर से तीन चेन बना के जस्ट बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर, पांच चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारे बन के हमारा रेडी हो गया है। तीन फूल बन गए हैं। अब इसके बाद चार फूल बनेगा, फिर पांच फूल बनेगा, तो बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना के वर्क को टर्न करें। बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना लिया, अब अगेन यहाँ पे चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो तीन चेन बनाएंगे, फर्स्ट वन में ऐड करेंगे तीन चेन, सेकंड में ऐड किया, फिर से तीन चेन ऐड करेंगे, तीन चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे। इस तरह से तीन तीन चेन बनाते हुए एंड पर आएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरे में चेन बना के रेडी कर ली। अब आपको सेम ऐसे ही प्रोसेस को रिपीट करना है। फिर से जब आप फ्लावर बनाएंगे तो एक पेटल आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी डबल क्रोशिया से, तो एक दो तीन, ये तीनों आपका लूप कवर हो जाएगा। बाकी में आपको जैसे चेन बना के करना है वैसे करना है। और फिर से आपको जो बीच वाला प्रोसेस पार्ट बनाना है, तो ये वाली जो जस्ट इसके नीचे वाली मीन्स जो रो आप बना रहे हैं उसके नीचे वाला जो फ्लावर है उसके जस्ट बीच वाला आप देखेंगे तो ये इसके सेंटर का पॉइंट होगा। तो एक दो तीन, इन तीनों में आपकी दूसरी पेटल बनेगी। फिर से आपको इसमें पूरे में चेन बनाना है, तीसरी पेटल आपकी एक दो तीन, इन तीनों में बनेगी, बाकी में चेन बनाएंगे। और चौथी पेटल आपकी इस डबल क्रोशिया में, इस सिंगल क्रोशिया में और इस सिंगल क्रोशिया में बनेगी। तो अब इस राउंड में आपकी चार पेटल बन के रेडी होगी। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है। और जितना बड़ा जिसके भी साइज़ का आपको बनाना है, छोटा बनाना हो या बड़ा बनाना हो, आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। स्टार्टिंग सब में ऐसी ही होगी, चाहे छोटा साइज़ बनाना हो या फिर बड़ा साइज़ बनाना हो, पूरे में ऐसे ही बना लेंगे। और जितनी बड़ी शॉल आप बना के रेडी करना चाहते हैं ना, उतनी बड़ी शॉल बना के इसमें रेडी कर सकते हैं। बाकी लास्ट में आपको ये जो पांच पांच चेन का स्पेस है, यहाँ पे आप झालर भी बना सकते हैं। झालर बनाना मैंने अपने कई वीडियोस में बताया हुआ है, तो कुछ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।